सबसे पहले देखें, मैं अपना ग्राफ सेट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ डिज़ाइन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर ग्राफ सेट करके फिर डिज़ाइन बनाना पड़ता है, वरना डिज़ाइन सही नहीं बनता। देखिए, मैं इसी को ही इसके राउंड में रिपीट बना रहा हूँ। राउंड में रिपीट बनाने के लिए या फिर सीधी रिपीट बनाने के लिए बहुत ही इजी है, आप उस चीज़ को आगे कॉपी करें और फिर कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो वो उतने ही स्पेस से आगे कॉपी होता चला जाएगा। अब देखें दोस्तों, ऊपर से मैंने दिल सिलेक्ट किया है, अब मैं दिल को भी राउंड में इसके रिपीट बनाऊंगा। देखें, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मैं बिल्कुल बीच सेंटर में रखूंगा। देखें, बीच सेंटर में रख के मैंने एक कॉपी करा और कंट्रोल आर किया तो ये उतने ही स्पेस से आगे राउंड में कॉपी हो गया। ग्राफ मैंने हटा दिया, ग्राफ अब काम का नहीं। अब देखें, इसको मैंने वेल्ड कर लिया है, ऊपर से सबको सिलेक्ट करके ऊपर से वेल्ड किया है और इसी को ही अंदर से मैंने कॉपी करके और सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई से ये होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को कटिंग देना हो, अब देखें मेरे को बीच के फिगर को कटिंग देनी थी तो मैंने दोनों सिलेक्ट कर सिंप्लीफाई कर दिया। देखें, बीच का जो हिस्सा था वो कट हो चुका है। उसके बाद इसके इफेक्ट के लिए देखें, साइड में टूल है, यहाँ से मैंने इसको इफेक्ट दिया है और इफेक्ट चेंज करने के लिए देखें, अब मेरे को इसके अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट डालने हैं तो देखें, मैं कलर प्लेट में से कलर पिक करके और इसके अंदर लाके छोड़ देता हूँ। ये देखें, पहले मैंने रेड कलर पिक किया है, उसके बाद येलो कलर इसके अंदर ऐड किया, अब ग्रीन कर दिया। देखें किस तरीके से इसके कलर चेंज होते जा रहे हैं और इफेक्ट और अच्छे से अच्छा होता जा रहा है इसका। काफ़ी सारे इफेक्ट इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर देखें काफ़ी सारे कलर ऐड कर दिए हैं मैंने। अब मैं इसी को कॉपी कर लिया, मैंने इसको इनसाइड कॉपी किया है, मैंने इसको एक और कॉपी करूँगा मैं इसके अंदर, और फिर देखें मैंने एक कॉपी और किया है इसको, और उसके बाद देखें बीच में खाली आ रहा है तो मैं ऊपर एक टूल है स्मार्ट फिल यूज़ करके मैं इधर भी कलर फिल कर दूंगा। उसके बाद देखें, अब मैं ऊपर से ये कंबाइन हुआ कंबाइन इसका ख़त्म किया है मैंने। कंबाइन ख़त्म करने के बाद इसके अंदर भी मैं ऐसा ही इफेक्ट डाल दूंगा जैसा ये मैंने इसके आउटलाइन के अंदर डाला हुआ है, मैं इसके अंदर भी ऐसा ही इफेक्ट डालूंगा। उस इफेक्ट के लिए दोबारा मैं वही टूल यूज़ करूँगा और एक एक करके वन बाय वन कलर इसके अंदर ऐड कर दूंगा।
देखें वन बाय वन करके मैंने इसके अंदर भी बीच में सेंटर में मैंने वही इफेक्ट डाला है जो आउटसाइड आ रहा है। अब मैं इसके जो बीच का सेंटर है उसके अंदर भी कुछ कलर फिल करूँगा या शेडो इफेक्ट डालूँगा इसके अंदर। तो इसके लिए मैंने देखें रेडियल यूज़ किया है ऊपर से, इस इफेक्ट का नाम रेडियल है। तो देखें दोस्तों डिज़ाइन बहुत ही इजी है और ये फ्लावर तैयार हो चुका है। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।